तो सबसे पहले चीज वर्क एनर्जी थ्योरम है क्या, तो ये हम लोग करेंगे। ओके, तो इसमें सबसे पहले लिखना कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या करता है, जो भी एक्सटर्नल वर्क जो भी रहता है, ठीक है, जो भी वर्क रहता है, जो भी फोर्सेस के रिलेटेड जो भी वर्क रहता है, उसको ये किसके साथ रिलेट करता है, तो ये रिलेट करता है उसको एनर्जी, और कौन से एनर्जी के साथ रिलेट करता है, काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो हमने कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क देखे हैं, तो सबसे पहले एक तो हमने देखा है वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, फिर वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल फोर्स, वर्क डन ड्यू टू टेंशन, वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन एंड वर्क डन ड्यू टू काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये सब हमने डिफरेंट टाइप्स के वर्क देखे हैं। ये जो रहता है ये इक्वल टू क्या रहता है, इट इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो नेट वर्क डन कोई भी सिस्टम के ऊपर ये इक्वल टू क्या रहेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये हमने क्या किया था, कल हमने ये पार्ट लिखा था, चाहे तो आप इसका ये लिख सकते हो, लिखना स्टेटमेंट क्या है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, या फिर यहां पे लिख सकते हो और वर्क डन बाय नेट फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये जस्ट लिख के रखना फ्रॉम दिस रिलेटेड। ओके, अब सबसे पहले चीज यहां पे जो बॉल है इस पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो लेट्स से ये हवे में है, तो हवे में रहेगा तो इस पे एक ही फोर्स एक्ट करेगा, दैट इज एम जी डाउनवर्ड्स। ये मैक्सिमम कितना हाइट में जा रहा है ये आपको पूछा है, तो ये हम लोग क्या लेंगे, इसको एच लेंगे। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले चीज वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, वर्क डन ड्यू टू नेट फोर्सेस ये इक्वल टू क्या रहेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके फाइन, अब यहाँ पे वर्क डन कौन से फोर्स की वजह से, एम जी, कौन से एक्सिस में हो रहा है, एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस में हो रहा है, तो वाई एक्सिस में हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो वाई एक्सिस में हमारा डिस्प्लेसमेंट है एच, एम जी नीचे है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, एम जी नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, ऑफकोर्स ऑपोजिट है, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, इधर आएगा एम जी एच। ओके, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, अब जैसे ही मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा काइनेटिक एनर्जी क्या, मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इधर का वेलोसिटी हो जाएगा जीरो, ठीक है, वेलोसिटी जीरो हो गया, इसका मतलब क्या रहेगा, इट विल बी काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस यहाँ पे क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये पूरा पार्ट क्या बन गया, जीरो बन गया। ओके, यहाँ पे आएगा एम जी एच माइनस हाफ एम, इनिशियल वेलोसिटी कितना था, तो इनिशियल वेलोसिटी बॉल का था यू, माइनस और माइनस कैंसिल, एम और एम कैंसिल, हमें यहाँ पे हाइट ढूंढना है, तो हाइट रहेगा यू स्क्वेयर अपॉन टू जी। ये हमने कैलकुलेट किया नेक्स्ट वाले सम में। अब नेक्स्ट वाले सम में हमें क्या पूछा है, फाइंड मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, यहाँ पे जस्ट इसका इनिशियल स्पीड को क्या लो, यू लेना। ओके, अब सबसे पहले चीज हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेस है, तो सबसे पहले चीज ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेस है, तो इसका मास एक्ट करेगा नीचे एम जी डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन है ऊपर एन, मोशन हो रहा है आगे, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा पीछे, तो ये क्या आएगा, एफ के आएगा, जो भी एफ के, एफ एस, एफ के लेना, एफ लिमिटिंग आएगा यहाँ पे बेसिकली। ओके, अब नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे क्या अप्लाई करोगे, वर्क एनर्जी थ्योरम, तो W नेट इक्वल टू क्या रहेगा, इट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हो रहा है, आगे की तरफ हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल रिएक्शन और एनजी के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है,
तो यहाँ पे वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल ये तो जीरो हो जाएगा, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी ये भी क्या होगा जीरो, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से वर्क होएगा। फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे लग रहा है पीछे, डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हो रहा है आगे, तो यहाँ पे क्या आएगा एफ के इंटू कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया मुझे पता नहीं है, तो मैं सो क्या लेता हूँ आई टेक दिस डिस्टेंस एज एक्स इक्वल टू। अब इनिशियल काइनेटिक ये क्या पे फॉर्मूला क्या रहता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम डिस्टेंस पे क्या होएगा ब्लॉक आके क्या होने वाला है स्टॉप होने वाला है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस से ब्लॉक आके स्टॉप होएगा, इसका मतलब इसका जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है ये क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या रहेगा इट विल बी अपने को ढूंढना। अभी फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, फ्रिक्शन फोर्सेस न्यू इनटू यहाँ पे एन आएगा, एक्स अपने को ढूंढना है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये क्या रहेगा हाफ एम, यहाँ पे क्या आएगा यू स्क्वायर आएगा, एन कहाँ पे एक्ट कर रहा है ऊपर, एम जी कहाँ पे एक्ट कर रहा है नीचे, तो इसका मतलब एन का वैल्यू कितना रहेगा इट विल बी एम जी इंटू यहाँ पे एक्स माइनस हाफ एम यू स्क्वायर आएगा, माइनस और माइनस कैंसिल, एम और एम कैंसिल, हमें क्या ढूंढना है यहाँ पे एक्स ढूंढना है कि एक्स कितना रहेगा करके, तो हम लोग एक्स ढूंढ के निकालेंगे, एक्स इक्वल टू रहेगा यू स्क्वायर अपॉन यहाँ पे आएगा टू न्यू इंटू यहाँ पे क्या आएगा जी आएगा, ये आपका क्या रहेगा सबसे पहले चीज ऐसे सोचो कि बॉल किधर है हवे में है, बॉल हवे में रहेगा तो उस पर कौन सा फोर्स रहेगा, सिर्फ एक एम जी रहेगा जो कहाँ पे एक्ट कर रहा है नीचे। अब ध्यान दो डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हो रहा है बॉल का नीचे की तरफ हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, हमें कौन सा डिस्प्लेसमेंट पे इंटरेस्ट है वाई डिरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट में इंटरेस्ट है, तो वाई डिरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितने का हो रहा है एच का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एम जी नीचे डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, तो यहाँ पे साइन क्या आएगा प्लस आएगा एम जी एच। ओके और कुछ फोर्स है ही नहीं इस पे एक्ट होने वाला, तो इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियली क्या था यू था, फाइनल में आके इसका वेलोसिटी वी होएगा वो हमें ढूंढना है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा हाफ एम वी स्क्वायर ये हमें ढूंढना है, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो ये हाफ एम यू स्क्वायर होएगा, सब जगह से क्या होगा एम क्या होगा कैंसिल। ओके अब इन दोनों को मैं कैसे लिख सकता हूं, यहाँ पे आएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर क्या रहेगा टू, यहाँ पे रहेगा जी इंटू एच, टू यहाँ पे क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है तो दूसरी साइड गया तो ये क्या होना चाहिए मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू कितना रहेगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होगा। ओके अब नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे क्या रहेगा, सबसे पहले चीज हमें क्या ढूंढना है ये v ढूंढ के निकालना है कि ये v कितना रहेगा, u स्क्वायर को दूसरे साइड लेके जाएंगे तो u स्क्वायर प्लस 2gh, हमें सिर्फ v से मतलब है तो हम लोग क्या करेंगे इसका स्क्वायर रूट करेंगे, तो v का वैल्यू कितना आया इट इज u स्क्वायर प्लस 2gh। सबसे पहले ये ब्लॉक जब इधर लास्ट में पहुंचेगा ये वाले एंड में तो इस पे कौन कौन से फोर्सेस रहेंगे ये हम लोग चेक करते हैं, सबसे पहले हमेशा सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, सबसे पहले तो इसका वेट कहाँ पे एक्ट करने वाला है वेट एक्ट करेगा नीचे मतलब एम जी नीचे है, जमीन के साथ कांटेक्ट में है तो नॉर्मल रिएक्शन रहेगा ऊपर। ओके अब देखना ये सरफेस में उसको फ्रिक्शन मिलने वाला है, ये सरफेस में उसको फ्रिक्शन नहीं मिलेगा, मोशन आगे की तरफ हो रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे मतलब एफ एस पीछे रहेगा। ओके डिस्प्लेसमेंट कहां पे हो रहा है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे की तरफ। ओके तो नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल रहेगा ये तो क्या रहेगा जीरो। नेक्स्ट यहां पे चेक करो ये वाले पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट कहां पे हो रहा है इस तरफ, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ऑफकोर्स वर्क डन टू नॉर्मल क्या रहेगा जीरो, ये हो गया। एम जी कहाँ पे हो रहा है नीचे, अब चेक करो क्या डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है क्या, तो ऑफकोर्स हो रहा है और वो डिस्प्लेसमेंट कितना है डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इज एच,
ओके okay, तो यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस है जिसकी वजह से वर्क हो रहा है? एक एफ एस की वजह से हो रहा है, दूसरे एम जी की वजह से हो रहा है, तो ये दोनों की वजह से हो रहा है। ओके okay, तो सबसे पहले चीज हम लोग वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। ओके okay, तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी एक तो आएगा, और दूसरा वर्क डन किसकी वजह से रहेगा? वर्क डन ड्यू टू काइनेटिक फ्रिक्शन या फिर फ्रिक्शन के वजह से, इक्वल टू क्या रहेगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, mg कहाँ पे? नीचे। क्या y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या? तो हो रहा है यहाँ पे, देखो h के इसमें हो रहा है। ऑफ कोर्स इधर कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इधर जो भी डिस्प्लेसमेंट रहेगा mg के वजह से, उसकी वजह से जो वर्क डन रहेगा वो तो जीरो ही रहेगा, लेकिन y डायरेक्शन में भी कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, तो mg एंड डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन क्या आता है? h, तो इसीलिए mg h आएगा। h भी नीचे, mg भी नीचे, तो साइन क्या आएगा? प्लस आएगा। अब वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे लग रहा है? पीछे। डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हो रहा है? आगे, तो साइन क्या आएगा? माइनस। यहाँ पे रहेगा एफ एस इंटू यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? एक्स, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा? हाफ एम। यहाँ पे क्या आएगा? इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था? जीरो था, क्योंकि रिलीज कर रहे हम लोग इसको, तो यहाँ पे इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा? जीरो। फाइनली ब्लॉक किस में आएगा? रेस्ट पे आएगा, तो इसका फाइनल वेलोसिटी भी क्या रहने वाला है? जीरो ही रहेगा। तो ये तो जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, हमें क्या ढूंढना है? एक्स ढूंढना है। तो अभी एक्स कैसे ढूंढेंगे? सबसे पहले चीज एम जी एच, एफ एस फ्रिक्शन फोर्स क्या रहेगा? इट इज न्यू इंटू एन है, एन किसके बराबर है? एम जी के बराबर, और यहाँ पे क्या आएगा? एक्स आएगा, ये इक्वल टू क्या रहेगा? जीरो। एम जी इंटू एच, ये इक्वल टू रहेगा न्यू एम जी इंटू एक्स रहेगा। एम जी और एम जी कैंसिल, हमें एक्स ढूंढना है, एक्स इक्वल टू रहेगा एच बाई न्यू। ओके, अब ये सब में हमें क्या बोला गया है कि ब्लॉक को हम लोग क्या कर रहे हैं? ऊपर रिलीज कर रहे हैं, और ऊपर जाते हुए एक मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, जहां पे आके रेस्ट पे आएगा, इसका मतलब इसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? जीरो। वापस हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे। भी कैसे अप्लाई करते? सबसे पहले इसका जो भी मास है ये कहाँ पे एक्ट करेगा? नीचे। नॉर्मल रिएक्शन क्या रहेगा? सरफेस से परपेंडिकुलर। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? मोशन कहाँ पे हो, मतलब डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हो रहा है? इस तरफ। तो फ्रिक्शन क्या रहेगा? एग्जैक्ट ऑपोजिट रहेगा एफ एस। ओके okay, चल इधर तक हो गया। अब नॉर्मल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है ये कितना है? 90 डिग्री। तो यहाँ पे वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल ये तो क्या बन जाएगा? जीरो। फ्रिक्शन कहाँ पे? नीचे की तरफ। डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे? ऊपर की तरफ, तो साइन आएगा माइनस। एफ एस इंटू यहाँ पे क्या होएगा? एक्स। नेक्स्ट आता है एम जी। अब एम जी कहाँ पे एक्ट करे? नीचे। तो उसके अकॉर्डिंग आप देखो y एक्सिस में कोई डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आपको पता है क्या? तो आपको पता है y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या है? h। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? प्लस mg इंटू एच। लेकिन यहाँ पे mg कहाँ पे एक्ट कर रहा है? नीचे। डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हो रहा है? ऊपर। तो यहाँ पे जो साइन रहेगा ये क्या आने वाला है? माइनस आएगा, इक्वल टू। अब इधर आपका फाइनल क्या है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो रहेगा, वेलोसिटी जीरो है तो ये तो जीरो हो जाएगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा? हाफ एम यू स्क्वायर होगा। चलो अब नेक्स्ट एफएस। एफएस आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो यहाँ पे एफएस जो रहेगा बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, इट इज न्यू इंटू यहाँ पे क्या आएगा? एन। यहाँ पे आएगा एम जी इंटू एच, सॉरी इधर एक एक्स भी आएगा, इक्वल टू यहाँ पे ये क्या रहेगा? माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पे न्यू एन। अब एन को आपको क्या करना पड़ेगा? इसका मतलब एम जी को रिजोल्व करना पड़ेगा। एम जी का अलोंग इंक्लाइन प्लेन का कंपोनेंट एम जी साइन थीटा रहता है, परपेंडिकुलर क्या रहेगा? एम जी कॉस थीटा। तो एन किसके बराबर है? तो यहाँ पे एन के बदले लिखोगे एम जी कॉस थीटा एक्स। अब ये जो एक्स है हम लोग इसको हाइट के टर्म्स में रिलेट करना है, तो
तो हमने ऑलरेडी आपको करके बताया है कि एक्स हम लोग कैसे निकाल सकते, तो यहाँ पे एक्स हमें दौड़ना है, लेट से हाइट हमें ऑपोजिट साइड है, तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा, यही साइन थीटा के इसमें सब्सिट्यूट करो, तो आपको एक्स के बदले सब्सिट्यूट करोगे एच बाई साइन थीटा, तो यहाँ पे आएगा एच अपॉन यहाँ पे आएगा साइन थीटा माइनस एम जी इंटू यहाँ पे क्या आएगा एच इक्वल टू यहाँ पे आएगा हाफ एम यू स्क्वायर आएगा, एम एम और यहां से एम कैंसिल, सब में माइनस साइन कॉमन है, तो मैं क्या करता हूँ माइनस से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे रहेगा न्यू जी कॉस थीटा बाई साइन थीटा होएगा कॉट थीटा, अब दोनों में क्या कॉमन है जी एच कॉमन है, तो मैं जी एच को अगर कॉमन लेगा तो यहाँ पे सिर्फ वन बचेगा, यहाँ पे जी एच आएगा, टू यहाँ पे डिवाइड कर रहा है तो दूसरे जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई, यहाँ पे आएगा यू स्क्वायर, हमें एच में इंटरेस्ट है तो एच इक्वल टू क्या होएगा यू स्क्वायर अपॉन टू जी इन केस, सॉरी इधर से जी कैंसिल ऑलरेडी कॉमन लिया था बार, तो यहाँ पे जी हटा देना और नीचे आएगा ब्रैकेट में न्यू कॉट थीटा माइनस यहाँ पे कितना आएगा ये रहेगा आपका हाइट, देखो इस सबका साइन प्लस हो जाता है ना, तो इसका भी साइन प्लस होएगा, तो ये जस्ट करेक्शन, हमने इधर चाहे तो ये लिख सकते हो मल्टीप्लाई विथ माइनस किया मैंने ये स्टेप,